टीम इंडिया मिशन T20 वर्ल्ड कप पर ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई है और अब पर्थ की टीम की प्रैक्टिस भी शुरू हो गई है। कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई में पहुंची टीम इंडिया के पास इतिहास रचने का मौका है, लेकिन मिशन शुरू होने से पहले ही टीम इंडिया घायल हो गई है। भारतीय टीम लगातार चोट से परेशान है और हर दिन के साथ ये मुश्किल बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि घायल टीम इंडिया आखिर कैसे T20 वर्ल्ड कप के मिशन में सफलता पाएगी। टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप से पहले ही झटका लगना शुरू हो गया था जब एशिया कप में रविंद्र जडेजा को चोट लगी थी। रविंद्र जडेजा पहले एशिया कप से बाहर हुए और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गए। रविंद्र जडेजा टीम के एक मेन ऑलराउंडर हैं, जो बल्लेबाज के अलावा फील्डिंग में भी अपनी छाप छोड़ते हैं। रविंद्र जडेजा के बाद टीम इंडिया को बड़ा झटका पेस बॉलर जसप्रीत बुमराह के रूप में लगा। कमर की चोट की वजह से जसप्रीत बुमराह T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। वह करीब 6 महीने तक क्रिकेट से दूर रहेंगे। बुमराह चोट की वजह से एशिया कप में भी नहीं खेले थे। उसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया सीरीज में वापसी की, लेकिन 2 मैच खेलकर ही वह बाहर हो गए। अब खबर है कि दीपक चाहर को भी चोट लग गई है। वह टीम इंडिया के T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे, लेकिन रिजर्व खिलाड़ियों की लिस्ट में उनका नाम था। ऐसे में माना जा रहा था कि वह जसप्रीत बुमराह की जगह टीम में आ सकते हैं, लेकिन अब वह खुद ही चोटिल हो गए हैं और माना जा रहा है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जारी वनडे सीरीज से भी बाहर हो सकते हैं। इन खिलाड़ियों के अलावा दीपक हुड्डा को भी बीच में कुछ दिक्कत हुई थी। उन्हें ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज से आराम दिया गया था, लेकिन अब वह फिट है और टीम इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं। ऐसे में यहाँ टीम इंडिया को कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि भारतीय टीम अभी भी 14 खिलाड़ियों के साथ ही ऑस्ट्रेलिया पहुंची है। टीम को अभी भी जसप्रीत बुमराह का रिप्लेसमेंट नहीं मिला है। ऐसे में मोहम्मद शमी या मोहम्मद सिराज में से किसको मेन स्क्वाड में एंट्री मिलती है, इस पर हर किसी की निगाहें टिकी है। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।